अभी हम लोग राज्यपाल महोदय से मिलने गए थे, लेकिन अगर सरकार का चमड़ी जो मोटी हो चुका है वह पतला नहीं हुआ, तो उसको पतला करने के लिए आम जनता का इंजेक्शन 4-5 लाख लोगों को बुला कर देना पड़ेगा। विधायक लोगों को दलाली के लिए और ठेकेदारी के लिए कुछ बचेगा नहीं। विधायक दलाल 3 महीना आप लोग में समय मांगे थे, अभी 1.5 महीना बीता है, कि 3 महीना समय दीजिए और 3 साल आराम से रहिए। आजाद भारत में मुखिया को गुलाम बना के जो नमस्कार दिव्य नेशन देख रहे हैं आप। अभी मैं मौजूद हूँ राजधानी पटना में गर्दनी बाग में, और यहाँ पर मुखिया संघ यानी कि ग्राम स्वराज सह राजभवन मार्च को लेकर आज आयोजन किया गया था मुखिया संघ के द्वारा, और पूरे बिहार के विभिन्न जिलों से यहाँ पर मुखिया संघ के सभी प्रतिनिधि मौजूद थे, और इस पंचायती राज का जो व्यवस्था है उसको कहीं ना कहीं चुनौती देने का काम करने गए थे। आज राजभवन मार्च पर सभी मुखिया निकले थे, तो अभी जो है कुछ मुखिया वापस आ चुके हैं। क्या इन लोगों की मांग थी ये हम जानने की प्रयास करते हैं। कहाँ से हैं आप? हम पलिया पंचायत 64 प्रखंड बक्सर जिला से हैं। बक्सर से हैं, चौसा से हैं, राम जी की कर्म भूमि से आप हैं। जी, विश्वामित्र जी की नगरी है। जी, तो क्या कहना चाहेंगी आज इस व्यवस्था को देखकर जो मजबूर हो गई हैं मुखिया लोग, जो पंचायती राज की एक असम मानी जाती हैं, वह लोग सड़क पर उतरने पे? देखिए, ये आज़ाद भारत है, आज़ाद भारत में मुखिया को गुलाम बना के जो राज्य सरकार है मुखिया को गुलाम बना के रखा है, दिन पर दिन उनके कार्यों की कटौती की जा रही है। जनता हमसे, हम तो जनता के बीच में रहते हैं ना, जनता तो रोज हमसे सवाल करती है हमारा ये नहीं हुआ हमारा वो नहीं हुआ, लेकिन जब कार्य की कटौती हो जा रही है तो हम लोग जनता के कार्यों को कैसे पूरा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसमें सरकार जवाबदेही है, रोज एक नया नियम, रोज एक नया गाइडलाइन आता है, मतलब मुखिया के हाथ में कुछ है ही नहीं। मतलब काम के जगह पर गाइडलाइंस दिया जाता है और मुखिया के हाथ में कुछ है नहीं, जनता का किसी तरह से मदद नहीं करती, अगर कुछ करती भी है तो अपने द्वारा अपने तरीका से अपने पास से, उनके पास कोई ऐसा फंड नहीं है जिससे जनता का कोई हेल्प कर सके। अच्छा, जनता जो है वोट देकर आप लोगों को प्रतिनिधित्व करने के लिए एक पंचायत का बनाई है, और उस प्रतिनिधित्वकर्ता के तौर पे आप लोग अगर नहीं उतर रहे हैं तो क्या जनता भी नाराज हो रही है? जनता नाराज हो रही है ना, जनता तुरंत कह दे रही है कि अच्छा मुखिया बन गए ना, उन लोगों को तो ये पता नहीं ना कि सरकार क्या क्या काट रही है, क्या है वो पता नहीं है, वो तो सिस्टम हम लोग झेल रहे हैं। ब्लॉक में भी जाते हैं, BDO CEO का वही हाल है, खुलेआम धमकी देते हैं। मुखिया मतलब कुछ नहीं, अध्यक्ष मतलब कुछ नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा ये बताइए, 35-36 मुखिया को गोली मार दिया गया, क्या इसमें सरकार की कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? तब तो मतलब कोई अपने बिहार में कोई सुरक्षित नहीं है, एक आम जनता भी बिहार में कोई सुरक्षित नहीं है, कोई सुरक्षित नहीं है, महिला पुरुष कोई नहीं, नहीं कोई सुरक्षित नहीं है यहाँ। नारी महिला के लिए विशेष यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है विकास। हाँ सुनिए, नारी सशक्तिकरण का रोज भाषण बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार, नारी सशक्तिकरण का भाषण देने से कुछ नहीं होगा। नारी के समस्याओं को, उनको सुनने की, उनकी बातों को सुनने की क्षमता रखनी चाहिए। आपको कोई ग्राम स्वराज, गांधी जी की तो सपना यही थी ना ग्राम स्वराज, तो गांधी जी का सपना, गांधी जी को राष्ट्रपिता बना दिया गया, लेकिन गांधी जी के बात का कितना पालन हो रहा है, हमारे राज्य सरकार केंद्र सरकार कितना मान रहे हैं उनके बात को, ये तो सामने दिख रहा है। मुखिया का ये देख रहे हैं जो रैली सामने दिख रहा है, हम लोग अपने पंचायत में बिल्कुल असमर्थ हैं, और केंद्र सरकार को भी सुननी होगी बात। ये महिला हैं, महिला मुखिया हैं, और प्रतिनिधित्वकर्ता के तौर पे उभर कर आ रही हैं चौसा से, और चौसा प्रखंड के अध्यक्ष भी हैं। या बताइए, और इस स्थिति में यह महिला लोग भी सड़क पर हैं, कहीं ना कहीं सरकार को चुनौती देने का काम, अपने हक मांगने का काम कर रही है, जिस हक को, जिस गरिमा को, जिस पद को कहीं ना कहीं इन लोगों का सरकार के कब्जे में हो चुका है, और इस कब्जा से मुक्त होना चाहती है और गांव का विकास करना चाहती है। अब संविधान खतरा में है, संविधान खतरा में है। संविधान में 3 ही सभा है, ग्राम सभा, राज्य सभा माने विधानसभा और लोकसभा। तो लोकसभा विधानसभा अपना काम कर रही है, ग्राम सभा में कहा जाता है हम जो कहते हैं जनता से वही पास कराओ, और जनता को कहता है मेरे पास क्या है, मुखिया के पास जाओ। आप लोग का ऐसा स्थिति क्यों आ गया? हम लोगों का स्थिति ये इसलिए आ गया है, जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलके ग्राम सभा में अगर संवैधानिक रूप से लागू हो तो केरला के तरह, बंगाल के तरह, मध्य प्रदेश के तरह, राजस्थान के तरह, तो सारा अधिकार विकास का काम ग्रामीण एरिया में ग्राम सरकार करेगा,
और ग्राम सरकार अगर करना शुरू करेगा तो ये विधायक लोगों को दलाली के लिए और ठेकेदारी के लिए कुछ बचेगा नहीं। विधायक दलाली करते हैं क्या करते हैं? अभी सोलर स्ट्रीट लाइट मुखिया लगाते थे, मुखिया 6,000 में लगाते थे स्ट्रीट लाइट बिजली वाला, और 11,000-12,000 में लगाते थे सोलर स्ट्रीट लाइट। आज मुखिया से जबरन 32,000 रुपया इंच सोलर लाइट के नाम पर जबरन उससे प्रशासनिक लिया जाता है और जबरन उससे चेक लिया जाता है, और वो जो बीच का लूट है कौन खाता है? बहुत बड़ा भंडाफोड़ कर रहे हैं आप। मुखिया 1,10,00,000 में पंचायत सरकार भवन बनाता था, उसको छीन के ठेकेदार को दिया गया, वो 2.5 करोड़ में बना रहा है। ये बीच का 1.5 करोड़ कौन खाएगा? आज के बाद बहुत कुछ सूचनाएं आप लोगों को मिल जाएगी, और ये उम्मीद करिए अभी हम लोग राज्यपाल महोदय से मिलने गए थे लेकिन वो नहीं थे, उनके प्रधान सचिव से मुलाकात हुई। राज्यपाल महोदय से भी 3-4 दिनों के अंदर में मुलाकात का समय मिलने का उम्मीद है कि 3-4 दिन में उनसे मुलाकात हो जाएगी। इसके पहले पंचायती राज मंत्री के द्वारा यह बताया गया है कि बहुत जल्द हम प्रतिनिधिमंडल से पत्र दे करके और वार्ता करने जा रहे हैं कि उसमें सीएम स्तर से भी डायरेक्शन उन लोगों को मिला है कि वार्ता के लिए, लेकिन अभी तक पहले उनको होमवर्क करना है, उसके बाद फिर शॉर्टलिस्ट करके किस किस इश्यू पर सरकार बात मिलता है सुनेगी उसको तैयार करना है। तो उसमें हम सभी जिले से खासकर सभी जिला अध्यक्ष जी और लोग आएंगे और हम लोग बैठ करके आपस में विचार करेंगे और इस दौरान इसके बाद हम लोग आगे का रणनीति बनाएंगे। अभी किसी को अपने पथ से नहीं डिगना है, चूंकि यह हमारा आंदोलन अभी चुनावी साल है और इस दबिश आंदोलन के बल पर ही कोर्ट और न्यायालय के फैसले के पहले हम लोग इस बात को मनवा सकते हैं, लेकिन इसमें है कि हमारी एकता हमारी ताकत, आज आपने ताकत दिखाया, 200,000 से ज्यादा लोग यहाँ जुटे, इसलिए आप दूर दूर से भी आए आप सभी को दिल से धन्यवाद, लेकिन जरूरत पड़ेगी इससे भी ज्यादा लोगों को लाना पड़ सकता है। अगर सरकार का चमड़ी जो मोटी हो चुका है वह पतला नहीं हुआ तो उसको पतला करने के लिए आम जनता का इंजेक्शन 4-5 लाख लोगों को मिला कर देना पड़ेगा। जो भी करना है ये हम लोग इसी 1 अक्टूबर और ये नवंबर हो सकता है कि रैली का डेट हम लोग अभी और आगे बढ़ा सकते हैं। अभी आचार संहिता नहीं है, ये जनवरी फरवरी में आचार संहिता लगेगा, उसके पहले हम लोग जो आज आप आए, आज जितने भी साथी आए हैं हमारे अध्यक्ष जी हों, प्रखंड अध्यक्ष जी चाहे और ये हमारे और साथी का, लेकिन हम अपनी बात से हम लोग कहीं जो हटे नहीं है, जो हमारा इशू है आज भी जारी है और ये लगातार चरणबद्ध प्रखंड में हुआ, जिला में हुआ और राज्य का बाकी था, तो राज्य हम लोग कर चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग भी और कुछ जो भी एजेंडा हमारा है तो हम लोग रणनीति बना करके आगे भी काम करेंगे, लेकिन अभी हम 3 महीना आप लोगों में समय मांगे थे, अभी 1.5 महीना बीता है कि 3 महीना समय दीजिए और 3 साल आराम से रहिए, इसलिए 3 महीना में अभी 1.5 महीना और समय दे दीजिएगा तरह तरह के कार्यक्रम के माध्यम से दबिश बनाने का, जो आंदोलन करने का ये जारी रहेगा। केवल मान के चलिए कि पटना में कभी एक दिन हम लोग बुलाएंगे, हम उतना सक्षम है हर मामले से, आर्थिक रूप से हर मामले में जरूरत पड़ेगी तो 10-50 लोगों को लाने में हम सक्षम हैं। आज बहुत साथी बस से भी आए हैं, कई साथी आपका 5-5 बस लेकर के आए, 2-2 बस लेकर के आए, दूर दूर से भागलपुर अररिया और आपको ठाकुरगंज किशनगंज से भी बहुत लोग एक दिन पहले आए थे, 2 दिन पहले लोग आए थे, ये बहुत लोग पहुँच भी नहीं पाए थे, और हम लोग जो अपना जो प्रोटेस्ट का तरीका था इससे हम लोगों को काफ़ी मतलब बल मिला है, एनर्जी मिला है, और इस एनर्जी के बल पर ही हम लोग उसके एनर्जी को सुखाने का काम करेंगे, सरकार को दबाने का काम करेंगे और सुनवाने का काम करेंगे। देखिए ये सिस्टम जो है यह बता रहे हैं, सिस्टम कैसा चलता है, क्या इन लोगों को ग्राउंड पे किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, यह सारी समस्या से आपको अवगत कराना चाहते हैं, और जो भी बिहार राज्य के नागरिक जो उस सिस्टम के हिस्सेदार, उस वोट के अधिकार वाले व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे होंगे, आप इस सिस्टम को समझने का प्रयास कीजिए। आपको क्या लगता है इस कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें दिव्य नेशन के साथ। धन्यवाद।